हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, मस्त से होंगे। स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। आज हम वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी वेक्टर के बिना फिश का कोई अस्तित्व नहीं है। एक तरह से मान लीजिए कि वेक्टर के बिना फिश का अस्तित्व नहीं है, यानी वेक्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है फिश के लिए। अब आइए हम समझते हैं कि रियल में जो मेरा वेक्टर होता है, सदिश होता है, वो सदिश होता क्या है, ये बात समझेंगे। सदिश, इसको इंग्लिश बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। ये वेक्टर जो भी ये आपको दिख रहा है, ये अपने आप में सब भौतिक राशियां है। क्या है? भौतिक राशियां। आप जरा सोचो कि यहां पर बात आ गया कि भौतिक राशियां क्या है। भौतिक, भौतिक राशि, भौतिक राशि को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं PQ। वैसे राशियां जिसको मापा जा सके, अर्थात जिन राशियों को मापा जा सके, वो हमारी क्या? भौतिक राशि है। लेकिन कुछ ऐसी है जिसको मापा नहीं जा सकता, जैसे प्यार। माप सकते हैं क्या? आप हमको कितना प्यार करते हैं, हम आपको कितना प्यार करते हैं, आप अपने मम्मी से कितना प्यार करते हैं, हम अपने मम्मी से कितना प्यार करते हैं, हम अपने मम्मी से कितना घृणा करते हैं, आप अपने मम्मी से कितना घृणा करते हैं, इसको माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते हैं। दर्द, पेन माप सकते हैं? नहीं ना। ये सब जितनी भी चीजें सब भौतिक राशियां नहीं है, यानी इसको हम फिश के किसी भी नियम के द्वारा नहीं माप सकते हैं, इसलिए भौतिक राशि नहीं है। लेकिन जिन राशियों को हम फिश के नियमों के द्वारा माप सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि भौतिक राशि में अगर हम बात करने वाले हैं, तो हमारा भौतिक राशि कौन कौन होगा? आप जरा सोचो, ध्यान देना। भौतिक राशि की बात, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आप बोलते हो कि सर दूरी। क्या बोलते हो? दूरी। इसको हम इंग्लिश बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। आप बोलते हैं सर विस्थापन। क्या बोलते हो? विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। आप बोलते हो सर चाल, तो चाल का मतलब क्या होता है? स्पीड। और आप बोलते हो क्या? वेलोसिटी। इसका मतलब क्या? वेग। आप बोलते हो बल, आप बोलते हो वेग यहां पर, तो आप इसको क्या लिखोगे? वेलोसिटी लिखोगे। आप बोलते हो फो एक्सेलरेशन, त्वरण। क्या बोलते हो? त्वरण। ये आपका क्या? एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। फोर्स मतलब बल। ये आप देख रहे हो ना, ये आप इसको देख रहे हो ना, ये क्या है? ये सब भौतिक राशियां है, यानी हम इसको माप सकते हैं, इसलिए मेरे क्या? भौतिक राशि। लेकिन जरा सोचो कि भौतिक राशियां जो भी है, ये भौतिक राशियां जो है, ये भाई इसको हम लोग क्या पढ़े थे? NU। ये हमारा नंबर है, यानी संख्यात्मक मान है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये हमारा यूनिट। यूनिट का मतलब क्या? मात्रक। तो आप किसी भी भौतिक राशियां के पास दो चीज होती है, एक तो आपका उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसको हिंदी बोलते हैं परिमाण, और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या? दिशा। तो अब बात हो गई, डायरेक्शन तो हमने लिख दिया, ये डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट भी। यहां बात समझना है, यहां पर ए क्या होगा? मे और मे नॉट बी, यानी हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो ऐसे भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण होते हैं, उनका अलग नाम होता है, और जिनके पास परिमाण के साथ दिशा भी होता है, और कुछ वेक्टोरियल मैथमेटिक्स,
कुछ ट्रेंगल ऑफ अ वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि, यानी उसका नाम अलग हो जाता है। अब यहां बात होगा कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप जो देख रहे हो, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हो, जैसे मैंने बोला एग्जांपल के तौर पर, आप समझो, पहले मैंने बोला कि फोर्स यानी कितना, 10 न्यूटन है, ये क्या है 10 न्यूटन है। मैंने बोला कि डिस्टेंस ये क्या है 10 मीटर है। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, मैंने भी बोला कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां देख रहे हो, आप यहां देख रहे हो कि ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपका वर्क की मैं बात करूं, वर्क ये क्या होता है, मान चलो 10 जूल है। तो आप यहां जो भी देख रहे हो ना, पावर की बात करो, पावर क्या हम लिख सकते हैं 10 जूल पर सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं वाट में। तो आप यहां देख रहे हैं ना, आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर ये इसका क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका क्या मैग्नीट्यूड है। क्योंकि यहां क्या बता रहा है कि जब भी अगर कोई भौतिक राशि होगी उसके पास परिमाण होगा, तो 10 न्यूटन क्या है, ये परिमाण है। क्योंकि ये 10 क्या है, संख्यात्मक मान, इसको बोलते हैं संख्यात्मक, और यहां एन क्या है, यूनिट, एक किसका यूनिट है, बल का। लेकिन यहां पर बात है जब बल आएगा तो उसके पास डायरेक्शन आएगा ही, ये क्या आएगा डायरेक्शन आएगा, ये क्या आएगा यहां पर डायरेक्शन आएगा, मतलब दिशा आएगी ही, बल हम किस दिशा में लगा रहे हैं इसकी बात। लेकिन यहां डिस्टेंस की बात है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस के पास दिशा नहीं होती है, वेलोसिटी के पास दिशा होती है, ये डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन है, यहां इसके पास डायरेक्शन नहीं है, यहां पर डायरेक्शन नहीं है। तो आप यहां देख रहे हैं कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके पास डायरेक्शन है लेकिन दिशा नहीं है। तो यहां पर जब दिशा नहीं है, जब यहां पर दिशा नहीं है तो इसकी बात क्या होगी, अलग होगी। और जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों है उसकी बात अलग होगी। तो जिसके पास केवल परिमाण होगा वो अलग दुनिया का होगा, और जिसके पास केवल क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों होगा, और कुछ मैथमेटिक्स के नियमों का फॉलो करता हो, गणित के कुछ नियमों का फॉलो करता हो, गणित के ऑर्डिनरी नियमों का फॉलो करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो हम आदेश बोल सकते हैं, यानी एक नया टर्म। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर 10 न्यूटन, इसकी 10, ये 10 न्यूटन क्या है, ये आपके पास ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर फोर्स लगाए तो किसी दिशा में लगाएंगे ना, तो जब दिशा में लगाए तो उसके पास डायरेक्शन आएगा। लेकिन हम 10 मीटर, 10 मीटर का मतलब क्या होता है, यहां मीटर जो है ये 10 मीटर ही है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं हो। क्यों, कि आपने पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, ये अपने आप में एस्केलर क्वांटिटी है। लेकिन आप जैसे ही वेलोसिटी अर्थात वेग की बात करेंगे तो आप बताएंगे कि सर ये क्या है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि होने के लिए डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड दोनों ही होनी चाहिए, दोनों होना चाहिए। अगर दोनों है तो हम बोलेंगे कि मेरा सदिश है, अगर नहीं है तो बोलेंगे मेरा सदिश नहीं है, ये मेरा क्या है, अदिश है। तो इसका कुछ कंडीशंस होते हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, हम इस बात को समझेंगे। अब आप समझिए कि जो भी ये दिख रहा है भौतिक राशियां, आप बोलोगे ना जितनी भी भौतिक राशियां होती है सब सदिश राशियां होती है क्या, नहीं, सभी भौतिक राशियां सदिश राशियां नहीं होती है। सभी भौतिक राशियां क्या अदिश राशियां होती है क्या, नहीं, सभी भौतिक राशियां अदिश राशियां नहीं है। क्यों, जिन राशियों के पास केवल परिमाण हो, कि जिन राशियों के पास केवल परिमाण हो वो आप उसको अदिश राशि बोलते हो। क्या ये डिफिनेशन सही है क्या, नहीं, ये डिफिनेशन सही नहीं है। इसको बोल सकते हैं प्राय इसमें क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ भौतिक राशियां ऐसी है जिसको अपवाद स्वरूप है, उनमें दिशा भी होती है, दिशा भी होती है। जैसे हम बात करेंगे करंट, प्रेशर, ये जितने भी चीज है ये सब अपने आप में क्या है, अदिश राशि है। इसके पास डायरेक्शन भी है और परिमाण भी है, दिशा भी है और परिमाण भी है। लेकिन वो वेक्टर या वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड
दिशा और परिमाण के साथ वो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स के नियमों का पालन करते हैं, अर्थात ऑर्डिनरी मैथ के ऑर्डिनरी नियमों के द्वारा उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। सदिश राशि में जोड़ होती है, घटाव होती है, गुना होती है, लेकिन भाग नहीं होती है। लेकिन अदर जो अदिश राशियां हैं, जो आपको बोलते हैं अदिश राशि, इसके पास परिमाण होता है और गणित के यानी मैथमेटिक्स के ऑर्डिनरी नियम का, ऑर्डिनरी नियम का मतलब का जोड़ घटाव गुणा और भाग के नियमों का पालन करते हैं, वो आपका अदिश राशि होता है। इस बात को हम समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। इसका मतलब समझना है, यहाँ पर अगर F इज इक्वल टू हमने क्या लिखा 10 न्यूटन, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बल का परिमाण, इसको क्या बोलते हैं बल का परिमाण, और जो बल का परिमाण है ये क्या है, अपने आप में अदिश राशि है। क्या है, क्योंकि इसके पास अभी दिशा की बात नहीं हो रही। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं भी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब होता है वेग का परिमाण, वेग का परिमाण बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेग का परिमाण। अगर मैं बोलता हूं ए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं त्वरण का परिमाण, क्या बोलते हैं त्वरण का परिमाण बोलते हैं, क्या बोलते हैं त्वरण का परिमाण। अगर हम पी लिखते हैं और लिखते हैं 20 केजी और मीटर पर सेकेंड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, क्या बोलते हैं मोमेंटम, इसका मतलब है संवेग का परिमाण, संवेग का परिमाण। ये आपको क्या दिख रहा है, ये परिमाण है भाई। तो जिन भौतिक राशियों के पास केवल परिमाण होते हैं वो क्या होते हैं अदिश राशियां होती है, और अदिश राशियां जो होती है वो मैथमेटिक्स के ऑर्डिनरी यानी साधारण नियम का करते पालन करती है। अदिश राशियां अपने आप में का एक पूर्णांक संख्या है, वो संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, ये दोनों बातें हो सकती है। अब बात होगा कि सर ठीक है हम मान लेते हैं। अब बात होता है कि सर अदिश राशि की जब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या, हाउ कितना, हमको 5 केजी टमाटर चाहिए, तब जाते हो ना कि भैया कितना टमाटर चाहिए, तो बोलता है 5 केजी। वो 5 केजी क्या भाई, वो मैग्नीट्यूड है, तो यहां पर जो हम परिमाण की बात करते हैं 10 जूल चाहिए, ये क्या है परिमाण है। लेकिन अगर बात करता है कि यहां पर सदिश की बात अगर हम करते हैं तो कहता है कि कितना और किधर, कितना और किधर, वो जो बातें आएगी उसका मतलब क्या हुआ सदिश राशि। लेकिन कितना अगर बात आएगा उसका मतलब क्या है अदिश राशि। कितना और किधर, इसका मतलब है किधर का मतलब क्या, डायरेक्शन की बात कर रहा है, किधर वो बता रहा है दिशा की बात कर रहा है, और कितना वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो कितना मैग्नीट्यूड किधर जाएगा ये क्या है, अपने आप में सदिश राशि है, और कितना की अगर बात करेंगे वो अपने आप में अदिश राशि है। अब यहां हम बात करेंगे कि यहां पर जो भौतिक राशियां जो होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है।
लेकिन हम जनरली दो ही बात करेंगे, दो ही प्रकार की बात करेंगे, एक सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि, और एक तीसरा टेंसर होता है। तो टेंसर के बिहेवियर जो होता है जस्ट लाइक किसके तरह होता है, अदिश की तरह होता है। हम आगे देखेंगे उसको। अब आते हैं थोड़ा सा इसका मूल टर्म समझते हैं कि भाई होता क्या है। कि एग्जाम्पल के तौर पर अदिश का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिससे अगर मेरे पास देख रहे हैं कि ये दो लीटर क्या है, दो लीटर क्या इसमें दूध है, और यहाँ पर मम्मी ने क्या कि पहले से पाँच लीटर दूध रखी हुई है, कितना, पाँच लीटर दूध रखी हुई है। तो यहाँ पर पहले से पाँच लीटर था और मम्मी इसको इस दूध को इसमें क्या कर दी, डाल दी। तो ये दोनों मिलकर क्या, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया भाई, ये दोनों मिलकर दूध ही तो रहा, लेकिन दूध का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया। ये कितना हो गया, 7 लीटर हो गया। क्या हो गया, 7 लीटर। तो आप देखोगे कि ये साधारण नियम के द्वारा हम जोड़ रहे हैं ना कि अरे 2 लीटर और प्लस क्या 5 लीटर, कितना हुआ 7 लीटर। ये किसकी बात हो रही है, ये अदिश की बात हो रही है। आप बोलोगे सर ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। सर आप बताओ कि अगर है, अगर हमारे यहाँ 10 लीटर क्या है, 10 लीटर पानी है सर, इस पाइस में हम क्या किए, इसमें से हम 2 लीटर पानी को क्या किए, इसमें से हमने निकाल दिया। सर आप बताइए सर ये कितना सर पानी बचा। तो बताओ कौन ऐसा बच्चा है, कौन ऐसा बच्चा है, कौन ऐसा लल्लू मुल्लू है, रसगुल्ला है, जो इस बात को सही समझेगा। ये आप घटाओगे तो बोलोगे सर ये तो 8 लीटर हो गया सर, सर ये क्या हो गया 8 लीटर हो गया। सर हम देख रहे हैं कि सर हम इसको जोड़ भी रहे घटा रहे हैं, लेकिन जोड़ने घटाने का प्रोसेस क्या है, सिंपल है। तो जो सिंपल प्रोसेस होगा वो क्या होगा भैया, ये अदिश राशि होगी, अदिश राशि हो, क्यों कि इसके पास केवल परिमाण होते हैं, लेकिन प्रायः परिमाण होते हैं, प्रायः मतलब प्रायः परिमाण होते हैं, क्या होते हैं, केवल परिमाण होते हैं, लेकिन कुछ केस में ये बातें बदल जाती है। वो 2 केस है, 3 केस हो सकते हैं, 4 केस हो सकते हैं, वो केस सब अलग अलग है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि ये जो अदिश का जो नियम है उस मैथमेटिक्स से साधारण नियम को क्या करता है, साधारण नियम के लिए लागू होता है, लेकिन सदिश में ऐसा नहीं है, सदिश में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उस बात को हम समझेंगे। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये सदिश जो है ना, ये सदिश मान ली, भी सदिश, ये भी सदिश, हम सदिश को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, सदिश को चेंज कर सकते, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा सदिश भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सॉरी अदिश की बात कर, सदिश गलती से बोला गया, अदिश जो होता है चेंज हो सकता है कब, जब उसके परिमाण को चेंज कर दिया जाए। यानी हम बोल सकते हैं किसी अदिश के परिमाण को चेंज कर दिया जाए तो उसका क्या होगा, अदिश चेंज हो जाएगा, वो अदिश क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी इसके कंडीशन को हम चेंज कर रहे हैं, किसके जोड़ के द्वारा चेंज कर रहे हैं कि नहीं, ये घटा के द्वारा चेंज कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं ना। तो हम आदिश को चेंज कर सकते हैं किसके द्वारा, मैग्नीट्यूड के द्वारा, जो उसके मैग्नीट्यूड होते हैं उसके द्वारा हम उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, आदिश जो होती है ना ये क्या, एक संख्यात्मक मान है, एक क्या है, संख्यात्मक मान है, और वो संख्यात्मक मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस बात को आपको समझनी है कि रियल में बात हो क्या रहा है। दूसरी बात कि अगर हम सदिश की बात करते हैं, किसकी, सदिश की बात कर रहे हैं हम, डिफिनेशन पर भी आएंगे सदिश। तो सदिश का मतलब आपने सीखा होगा सर इसके पास परिमाण होना चाहिए, ठीक है मान लिए, सर दिशा होना चाहिए, दिशा होना चाहिए सर, होना चाहिए, लेकिन सर इसके साथ वेक्टोरियल मैथमेटिक्स के ये नियम का पालन करना चाहिए, इसको वेक्टोरियल मैथमेटिक्स का नियम का पालन करना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रेंगल रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ट्रेंगल रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, यानी सदिश अलजेब्रा का त्रिभुज नियम पालन कर जाए। ये आपका जो होगा
ट्रेंगल रूल ऑफ, यानी एक शब्द वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, इसको हम बोलते हैं ट्रेंगल रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। सदिश बीज गणित का त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम। तो अदिश होने के लिए क्या चाहिए? परिमाण होना चाहिए, एकदम होना चाहिए सर, दिशा होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो हमारा सदिश नहीं होगा, नहीं होगा। यानी हम लोग तो बोलने के लिए बोल देते हैं कि वैसे राशि जिसके पास परिमाण और दिशा होता है उसे हम सर क्या कहते हैं, सर सदिश राशि कहते हैं। दिस इज रॉन्ग, ये आपका गलत है। उसके साथ क्या होना चाहिए, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स यानी सदिश बीजगणितीय के नियम का पालन करना चाहिए, वही मेरा क्या होगा, सदिश होगा, सदिश वही होगा। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएंगे तब वो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सबस्टांस है, एक पदार्थ है, तो इस पर अगर हम 10 न्यूटन का क्या कर रहे हैं, अगर इस पर 10 न्यूटन का हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वस्तु क्या आगे की ओर जाएगी, एक अपने फिक्स दिशा में जाएगी। तो अगर फिक्स दिशा में जाएगी तो आप बोलोगे कि सर ये क्या है, सदिश है, ये क्या सदिश है। लेकिन मान लो कि ये वस्तु पर, ये जो आपके बॉडी है इस पर दो तरह मैं दो बल लगा रहा हूँ, ध्यान देना, ध्यान देना, एक रोहन बल लगा रहा है कितना, 10 न्यूटन का, या मान के चलो 8 न्यूटन का, और प्रीति लगा रही है क्या, 6 न्यूटन का बल लगा रही है, कितना, 6 न्यूटन का बल लगा रही है। तो टोटल कितना इस पर बल लगा, तो आप बोलोगे सर 8 अच्छे कितना, 14 न्यूटन का बल लगा। क्या सही है, क्या सही है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए मे नॉट बी, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। क्यों, ये जो वेक्टर है, सदिश जो होती है, ये सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा नियम का पालन नहीं करती है। अब ऐसे 2 और 2 4 ये वेक्टर नहीं मान सकता, ये अदिश मान सकता। वेक्टर कहता कि नहीं, हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है कि हम किसी को सिंपल जोड़ दें और सिंपल घटा दें और सिंपल गुणा कर दें। हम भागा के नियम की बात नहीं कर रहे हैं, भागा तो यहाँ होता ही नहीं है, भागा भी होगा लेकिन उसका क्या होगा, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। अब जरा सोचो, कोई बच्चा बोला ठीक है सर, अब क्या हुई, एक उसके दोस्त आई बोलेगी ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि सर ये बल जो, ये जो फोर्स लग रहा था सर, फोर्स तो इधर, अब ये इसकी दोस्त कहे ये 10 न्यूटन का बल क्या लगा दी, इधर लगाई, और इसकी दोस्त जो इस बॉडी पर कितना, 6 न्यूटन का बल लगाई, ये क्या होगा, 6 न्यूटन का बल यहाँ लगाई। हम बोले इस पर कितना बल लगा भाई, इस पर नेट बल यानी कुल बल कितना, एफ नेट यानी कुल बल कितना लगा, तो आप बोलोगे सर ये अपोजिट है ना, ये अगर ई डायरेक्शन में, ई डायरेक्शन में, तो ये कितना न्यूटन का बल लगेगा, तो आप बोलोगे कितना, 10 में से सर कितना घटा देंगे, अगर सॉरी 8 है ना, 8 में से कितना घटा देंगे, 6 घटा देंगे, तो सर ये 2 न्यूटन होगा, ये भी सही है बेचारा का। ठीक है, अगर बोलती है कि सर अगर ऐसा है अच्छी बात है। अब यहां बोल रही है कि सर मान के चलिए कि अगर इस बॉडी पर एक बल ऐसे वर्क कर रहा है, यानी इस पर ऐसे बल वर्क कर रहा है, और एक बार क्या है, परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है, कैसा, एक इधर जा रहा है, एक परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है, तो ए आपका मान ले F1 है, ए आपका मान क्या F2, तो यहां पर एंगल कितना बना, 90 डिग्री ना, तो यहां पर आपका जो दिख रहा है कितना, 8 न्यूटन, और ए आपका कितना, 6 न्यूटन की बात करें, तो यहां पर टोटल बल एफ नेट कितना लगेगा, तो एफ नेट जो होगा कितना, 10 न्यूटन का लगेगा।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप ये क्यों लिख रहे हैं, सर यहाँ यहाँ आप 14 लिख रहे हैं, यहाँ आप 2 लिख रहे हैं, सर यहाँ आप 10 लिख रहे हैं, सर व्हाट इज दिस सर? ये सिंपल लॉ को लागू नहीं करता है, ये सिंपल जोड़ घटाव के नियम के लिए लागू नहीं होता है। ये इसके पास एक वेक्टोरियल मैथमेटिक्स होती है, उसके लिए क्या होता है, ये अपना बिहेवियर को क्या करता है, चेंज कर देता है। लेकिन अदिश राशि अपनी बिहेवियर चेंज कब करेगी, परिवर्तित कब करेगी, जब उसका परिमाण बदल जाए। ये कहते कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है भाई, परिमाण बदलने से क्या हम अपना बिहेवियर चेंज कर देंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपका परिमाण कुछ भी होते रहे, मेरा बिहेवियर कुछ एंगल के साथ चेंज होगा। क्यों? इसलिए कि सदिश क्या कहता, कितना और किधर, कितना और किधर, किधर का मतलब किस एंगल पर है ये वेक्टर, किस एंगल पर है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, इस सब की बात करता है। यानी आप जरा सोचो, ये वेक्टर जो होता है डायरेक्शन के ऊपर निर्भर करता है, किस पर, डायरेक्शन। तो आपके पास कितनी डायरेक्शन है भाई, आप बोलते हो सर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और क्या वेस्ट, सर इसके ऊपर डिपेंड करता है, सर यहां पर डिपेंड करता है। इसके पास ये होता है सर, तो ये हमारा क्या हुआ वेक्टर का, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं वेक्टर जो होता है सिंपल अलजेब्रा के लिए लागू नहीं होता। अब हम बात करेंगे कि भौतिक राशियों के प्रकार क्या होती है, प्रकार का मतलब सदिश और अदिश की बात करते हैं, ये दोनों में आप डिफरेंसेस बताएंगे, आइए देखते हैं। अब बात करते हैं हम कि अदिश राशि और सदिश राशि। यहां पर मैंने क्या बताया कि वैसे भौतिक राशि जिनके पास केवल परिमाण हो, प्रायः दिशा का ज्ञान ना रखता, प्रायः का मतलब क्या, मतलब है कि दिशा के पास उसके पास ज्ञान नहीं है, प्राय का मतलब अपवाद है, प्राय का मतलब क्या है, यह अपवाद रखता है, अपवाद इसके पास हो, प्राय दिशा हो तथा बीज गणित के सिंपल नियम का पालन करता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। उदाहरण की बात करते हैं कि दूरी, चाल, विद्युत धारा, दाब, विभव, विभवांतर इत्यादि। दूरी का मतलब क्या होता है, कितना, कितना, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, मैंने कितना, इसमें डायरेक्शन नहीं है ना। चाल का मतलब क्या, कितना फास्ट, कितना तेज, कितना तेज, लेकिन ये तो नहीं किधर, ये बात नहीं कर रहा। तो इसमें केवल क्या होता है, इसमें केवल क्या होता है, इसमें केवल आपका परिमाण होता है। हम परिमाण जैसे मान के चलिए कि दूरी की बात करें, अगर एक रास्ता है जिसकी लंबाई कितना है, 10 किलोमीटर है, और यहां से रास्ते कट कर यहाँ पर और इसमें रास्ता यहाँ से बना दिया गया कितना, 2 किलोमीटर, तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कितना हो गया। तो आप बोलोगे ना ये क्या है सर, इसको 10 और 2 जो जोड़ देंगे तो कितना हो गया सर, 12 किलोमीटर हो गया। ये क्या है, इस अलजबरा का बीज गणित के अलजबरा के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब है कि यहाँ करने का मतलब है कि हमने ए और बी को जोड़ दिया, हमने ए माइनस बी को जोड़ दिया, ए में से बी को घटा दिया, हमने क्या किया, ए में बी से हमने क्या किया, गुणा कर दिया, और हमने ए में बी से डिवाइड भी कर दिया। तो आप यहां देख रहे हो ना कि डिवाइड भी हो रहा है, जोड़ भी होता रहा है, घटाव भी हो रहा है, सिंपल नियम का पालन करता है। तो मैथमेटिक्स में सिंपल नियम कितने होते हैं, अरे भाई चार ही होते हैं, जोड़ घटाव गुणा और भाग, इसके अलावा कोई होता है क्या, नहीं होता है। इसी के द्वारा आप जो करना मैथमेटिक्स में कीजिए। तो यहां पर अदिश का मतलब क्या, कितना, 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 मैं वो क्या बोल रहा हूं, अधिक का मतलब कितना। तो अब मैं बोलूं कि ए से अगर मान के चलिए सी है, ए से सी कितना दूर, 10 मीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, लेकिन डायरेक्शन नहीं है ना। कितना की बात, अगर जहां कितना की बात आएगा वो सोचना मेरे क्या है, वो हमारा अदिश राशि। अब बात होता है कि अब एक बात है चाल, कितना तेज, जैसे हम बाइक लेते हैं ना, हुर्र अकेले में चाल लग रहा है 50, 60, 70 जो भी है, तो कितना तेज, लेकिन किधर, ये तो मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कितना तेज, तेज मैंने बोला। तो तेज होने का मतलब क्या, वो बता रहा है कितना तेज, मतलब कितना का मतलब अदिश राशि।
अब यहां पर मैंने बोला, यहां पर देखिए तो एक नंबर आ रहा है, तो मैंने लिखा है कि अदिश पूर्णतः संख्या के द्वारा, मैं क्या बोल रहा हूं, संख्या के द्वारा वर्णित होते हैं यानी निरूपित किया जाता है, इसको परिमाण के रूप में लिखा जाता है। ये रियल में क्या है, ये आपका यही परिमाण है, क्या है ये परिमाण है, लेकिन इस दोनों को जोड़ने के बाद परिमाण हमारा कौन सा होगा, परिमाण है ना, पहले तो परिमाण ही था, इसके लिए परिमाण ही था, लेकिन इसके परिमाण को हम चेंज कर सकते कब, जब ये दोनों को जोड़ दें तो परिमाण चेंज हो गया, देखिए तो इसके परिमाण को हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात आप आइए यहां अदिश राशि, कहने मतलब वैसे भौतिक राश जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान हो और साथ ही वो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स के नियम का पालन करते हैं। यहां पर अलजेब्रा क्या, वेक्टर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं हम, यानी उसी को बोलते हैं वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। ये ऐसा मैथमेटिक्स है जो इससे, इस मैथ से क्या डिफरेंट है, इस मैथ से अलग है, बहुत ही अलग है, अलग नहीं बहुत ही अलग है। कहता कि वेक्टर अलजेब्रा के त्रिभुज नियम का पालन करता हो, भैया त्रिभुज नियम का पालन करता हो वो सदिश राशि कहलाती है। आप ऐसे कुछ भी बोल दो तो हम नहीं मान लेंगे, ना 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 ऐसा नहीं है, इसके पास दिशा भी होना चाहिए, इसके पास परिमाण भी होना चाहिए और इसके पास वेक्टर अलजेब्रा का त्रिभुज नियम भी होना चाहिए। अगर इसके साथ अगर ये आ रहा है, ये आ रहा है इस, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ अगर ये आ रहा है तो हम बोलेंगे भैया मेरा भौतिक राशि। विस्थापन, मैंने बोला विस्थापन 10 किलोमीटर किधर, कितना 10 किलोमीटर कितना और किधर, 10 किलोमीटर कितना और किधर, तो यहां पर हो गया 10 किलोमीटर मतलब कितना और किधर जाना है भैया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, अभी ना मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अगर ये वेक्टर होता है तो वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एक प्यारा सा एक एरो होता है, इस टाइप से एरो होता है, ये वेक्टर है, इसको हम आगे जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर ये चीज आपको समझना होगा, वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास सदिश राशि हो, वेक्टर सदिश राशि होता है, ठीक है ना, उसके पास परिमाण और दिशा के साथ साथ वेक्टर के अलजेब्रा नियम को पालन करता है, वो आपका क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। उदाहरण के तौर पर विस्थापन वेग, अब होता है कितना वेग, कितना तेज और किधर, कितना तेज और किधर, वो मेरा वेग है, बल कितना और किधर, कितना बल हमने किसी पर लगाया और किधर लगाया, इमरा। अब मैंने बोला कि सदिश को अदिश के रूप में या ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूप में जोड़ घटाओ गुणा नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं कि आप सदिश को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐसे अपने अदिश के रूप में ऐसा लिख दीजिए, ऐसे लिख देंगे, ये गलत है, ए माइनस बी लिख दिए ये गलत है, ए इंटू बी लिख दिए गलत है, ए बाई बी तो होता ही नहीं है, यानी ये सिंपल अलजेब्रा के नियम का पालन नहीं करता है, क्लियर। आगे हम समझते हैं तब हमको और कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि यहां पर बात क्या है कि अदिश, मैं बोल रहा हूं कि अदिश के परिमाण को परिवर्तित करके, अदिश के परिमाण को परिवर्तित करके अदिश को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी अगर उसका परिमाण है उसको अगर हम परिवर्तित करके अगर करते हैं तो क्या होगा, अदिश बदल जाएगा, अदिश क्या होगा बदल जाएगा। मैंने अभी एग्जांपल के तौर पर ऊपर आपको मैं बताया था कि बताओ ए बराबर कितना 5 मीटर और बी बराबर कितना 10 मीटर है, तो ए का परिमाण कितना है 5 और बी का परिमाण कितना है 10, तो अगर हम बात कर रहे हैं इसके परिमाण को चेंज करना है तो अगर हम इसको पहले जोड़ का नियम लगा रहे हैं तो 5 + 10 बराबर कितना 15 क्या मीटर, इसका परिमाण चेंज होगा क्या, यानी हमारा क्या चेंज हो गया, अदिश भी चेंज हो गया परिमाण के साथ। मैं क्या बोला, अदिश के परिमाण को परिवर्तित करके, पर ये परिमाण है ना, इसको परिवर्तित करके अदिश को परिवर्तित किया जा सकता हो गया। दूसरी बात आप देख सकते हैं यहां पर, अगर हम बोलते हैं कि वेक्टर ए माइनस बी लिखेंगे तो 5 - कितना 10, यानी देखेंगे माइनस क्या, माइनस पांच क्या मीटर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे यहां मीटर आ गया ना, इसका मतलब क्या है, परिवर्तित हो गया ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीपल, तो आप देख सकते हैं सिंपल। दूसरी बात, यहां आप आ जाइए सदिश में,
सदिश को सदिश बीजगणितीय के नियम के अनुसार, सदिश को सदिश बीजगणितीय नियम के अनुसार जोड़ घटाव एवं गुणा किया जा सकता है, भाग नहीं। जोड़ कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाव गुणा कर सकते हैं, भाग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं सदिश ए पढ़ते हैं, इसको वेक्टर ए पढ़ते हैं इंग्लिश में। इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर बी पढ़ें, सदिश बी पढ़ेंगे। तो यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए आपका क्या है, इस सदिश का नियम है। दूसरी बात आप देखोगे कि सदिश के परिमाण में परिवर्तन द्वारा, सदिश के परिमाण में परिवर्तन द्वारा, अगर सदिश के परिमाण में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब है कि दिशा में परिवर्तन क्या होगा। अगर सदिश के परिमाण में परिवर्तन, सदिश के परिमाण में परिवर्तन द्वारा, ठीक है ना, दिशा में परिवर्तन द्वारा या दोनों में परिवर्तन द्वारा सदिश को बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, सदिश को बदल सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज करो कि आप जानते हो, आपने टेंथ आपने बेसिक चीज़ में पढ़ा होगा कि सर्कुलर पाथ पर अगर कोई बॉडी चल रही है, अगर कोई वस्तु गतिशील है, तो इसका हमेशा क्या बदलते रहता है, इसका क्या बदलते रहता है, इसका क्या बदलते रहता है। तो सर इसका डायरेक्शन बदलते रहता है, डायरेक्शन तो बदलता है, लेकिन सर क्या चेंज नहीं होता है, सर इसमें क्या चेंज नहीं होता, इसमें आपका चाल यानी आपका जो चाल है वो चेंज नहीं होता है, यानी आपका चाल यह क्या, नियत होता है। चाल क्या होता है, नियत होता है। तो यहां पर आप बात देखेंगे कि आदेश के परिमाण को परिवर्तित करके आदेश को परिवर्तित किया जा सकता है, इसको चेंज करके क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक चीज है, इसको आप नोट कर लें, हम आगे चलते हैं। अब हम लोग रियल दुनिया में आएंगे कि रियल में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है क्या, ठीक है ना। इस टॉपिक को, वेक्टर टॉपिक को अगले वीडियो में आपको डिस्कस किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।